नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम बुक राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में यूनिट संख्या फोर्थ में अध्याय 17 के अंतर्गत राजस्थान में सामाजिक आधारभूत ढांचा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के चैप्टर में टॉपिक राजस्थान में संचालित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान में सामाजिक आधारभूत ढांचे से संबंधित वर्तमान और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा की गई प्रगति के बारे में चर्चा की थी। आज इसी क्रम में हम स्वास्थ्य राजस्थान में संचालित स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रम के द्वारा हम इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको भी मालूम है, राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम जनता को विभिन्न प्रकार की मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, मुख्यमंत्री के द्वारा या मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं को हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, जो कि जनता को विशेष लाभकर सिद्ध हुई हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ा है। दुआओं के माध्यम से सरकार के द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सुविधाएं से लोगों में मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि पहले जो समय था उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं होती थी, जिसकी वजह से गांवों में और शहरों में मृत्यु दर की रेट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती थी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का मूलभूत रूप से अभाव रहा है, जिसकी वजह से जनता को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी। तो अब आज हम राजस्थान में सरकार के द्वारा परिवार एवं कल्याण से संबंधित कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इसकी भूमिका के बारे में हम बात करें कि राज्य की जनता विशेषकर कमज़ोर वर्ग के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार संक्रामक एवं अन्य रोगों के नियंत्रण एवं उन्मूलन तथा राज्य के उपचारात्मक एवं निवारक सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबंध है। लोगों को मुख्य धारा में लाने का विभिन्न प्रयास किए गए हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग राजकीय या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार चिकित्सा संस्थाओं का संरचनात्मक विकास हुआ है, सुदृढ़ीकरण हुआ है और सुनियोजित तरीके से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में काफ़ी प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि एलोपैथिक चिकित्सा सेवाओं में भी मुख्यतया दिसंबर 2015 के अंत तक मूलभूत रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिसमें चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय, मातृ व शिशु कल्याण केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्र में और उप स्वास्थ्य केंद्र और आदियों को सम्मिलित किया गया है। जैसा कि आप भी जानते हैं, राजस्थान में संचालित स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को लागू की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य
मुख्यतः आपको ही मालूम है कि राज्य के चिकित्सालयों में आने पर सभी अंतरंग और बहिरंग रोगियों को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यतया प्रयोग में ली जाने वाली आवश्यक दवाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई गई है। इस योजनाओं का क्रियान्वयन राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया और चिकित्सा सेवाओं द्वारा 33 जिला मुख्यालयों पर ये औषधियाँ निर्माण किया गई मतलब करवाई गई, जिसमें मुख्यतया कैंसर, मधुमेह, अस्थमा आदि रोगों के निवारण में महत्वपूर्ण रूप से ये दवा साबित हुई है, जो कि निःशुल्क रूप से सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई। अगली है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत भी विभिन्न प्रकार की जांचों को निःशुल्क किया गया है, जिसमें राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं में जो जांच की सुविधाएं हैं उनको निःशुल्क किया गया, जिसमें 31 दिसंबर 2015 तक 9.90 करोड़ जांचें भी हो चुकी हैं, जो कि सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई हैं। अगला है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो विकलांग बच्चे हैं और जो विकलांग श्रेणी में आते हैं उनको मुख्य रूप से मानसिक व मस्तिष्क की रोकथाम और विकलांग के इलाज के रोकथाम के उद्देश्य भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में चयनित राजस्थान राज्य में 6 जिलों में, जो चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जयपुर, चूरू, झालावाड़ में, ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2014-15 में इसकी शुरुआत की गई, जिसमें मुख्यतया राजस्थान में कार्यक्रम 7 जिलों में चल रहा है, जो कि 338 चिकित्सा अधिकारी और 1540 ANM और 3000 आशाओं के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। एक राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा प्रथम चरण में चयनित कर राजस्थान राज्य के एक जिले हनुमानगढ़ के राष्ट्रीय मुख्य कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2014-15 में इसकी शुरुआत की गई, जो कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2 जिलों को टोंक, झालावाड़ में कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जो राजस्थान में ये कार्यक्रम 3 जिलों में चल रहा है, जो कि दिसंबर 2015 तक 10.12 लाख रुपये भी व्यय हो गए हैं। अगला कार्यक्रम है डोडा पोस्ट मुक्ति कार्यक्रम। भारत सरकार के द्वारा 13-3-2016 को डोडा मुक्त कार्यक्रम को नशा मुक्त निर्देश प्रदान किए गए थे व्यक्तियों को, जिसमें एक नया सवेरा ये कार्यक्रम की योजना नवे सवेरा के माध्यम से सरकार के द्वारा क्रियान्वित की गई, जिसमें मुख्यतः डोडा पोस्त कार्यक्रम को पूर्णतया मुक्त किया गया IPD डोडा पोस्त के द्वारा। 2015-16 में विभिन्न कार्यक्रम जिसमें कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग निवारण कार्यक्रम, अंधता निवारण कार्यक्रम, मलेरिया, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आदि सम्मिलित किए गए, जिसमें मुख्यतया राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम भी भारत सरकार द्वारा 2 जिले जैसे जयपुर झुंझुनू में पायलट परियोजनाओं के रूप में प्रारंभ किया गया, जो कि 2015-16 में झुंझुनू के अतिरिक्त अजमेर, टोंक, चूरू, उदयपुर और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, गंगानगर जिले में ये कार्यक्रम की योजना कुल 13-17 जिलों में शामिल किया गया। आयुर्वेदिक क्षेत्र में पद्धति अपनाई गई। आयुर्वेदिक एवं अन्य चिकित्सा पद्धति में 1950 में इसकी स्थापना की गई, जो कि वर्तमान में 118 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, जो कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इस प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
परिवार कल्याण से संबंधित भी विभिन्न प्रकार की, जो कि प्रथम हम योजना की बात करें तो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत भी राजस्थान में शिशु मृत्यु दर या प्रसव के दौरान मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। एक मातृ व शिशु स्वास्थ्य पोषाहार दिवस के रूप में भी टीकाकरण कवरेज करने के लिए, मातृ शिशु पोषाहार दिवस को नियमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का गठन किया गया 2015-16 में HNM, जो कि एक महत्वपूर्ण रूप से साबित हुआ, जिसमें HNM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मेन उद्देश्य शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में काफ़ी कमी लाना। एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में आशा सहयोगिनी योजना, जननी एक्सप्रेस योजना, जिसमें 16 जननी एक्सप्रेस वाहनों का आवंटन चिकित्सा संस्थान के द्वारा किया गया, जो 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क यातायात सुविधाएं, जिसमें बच्चों को एक महत्व मतलब बच्चों जो गर्भवती महिलाएं उनको एक महत्वपूर्ण रिलीफ मिली। 108 टोल फ्री एम्बुलेंस योजना, जैसा कि आपको पता ही है 108 टोल फ्री एम्बुलेंस योजना के माध्यम से आप आपातकालीन रोगियों के लिए मतलब 108 टोल फ्री योजना में सरकार के द्वारा वर्तमान में 441 एम्बुलेंस 33 जिलों और 249 ब्लॉक्स में पंचायतों में कार्यरत हैं। अगली है राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट, राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से भी ये 2008 में शुरुआत की गई, जो मोबाइल मेडिकल यूनिट के 2 वाहन होते हैं, जो प्रत्येक मोबाइल मेडिकल में एक वाहन चिकित्सा दल में भ्रमण हेतु इस प्रकार से 104 टोल फ्री चिकित्सा सलाह सेवा, 104 टोल फ्री चिकित्सा सलाह आसानी से हम आप निःशुल्क में चिकित्सा सलाह ले सकते हैं, जो कि 31 दिसंबर 2015 को 24.41 लाख कॉल के माध्यम से सेवाएं दी जा चुकी हैं, जो कि यह सरकार के द्वारा भी निरंतर प्रयासरत हैं स्कीम्स। ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य समिति, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के द्वारा भी महत्वपूर्ण रूप से हैं, जो ग्राम को स्वच्छता रखने के लिए पंचायत समितियों में जनप्रतिनिधित्व को अध्यक्षता में आंगनबाड़ी है, आशा सहयोगिनी योजना है, NGO है, इनके माध्यम से गठित की गई। अगले हम बात करें आयुर्वेद योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथिक की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी कि आयुर्वेदिक में विभिन्न प्रकार के आयुष कंपाउंडर्स कार्यरत हैं, जो आयुर्वेदिक दवाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में निर्वहन कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोर्स, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोर्स भी एक महत्वपूर्ण रूप से परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहायक है, क्योंकि मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोर्स की स्थापना 1 जनवरी 2009 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के BPL परिवारों के मरीजों को मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालयों, जिला उपखंड सैटेलाइट चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आउटडोर इंडोर में निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। जो मेडिकल कॉलेज इससे संबंध चिकित्सालयों को रोग संबंधी उपचार निदान की सुविधाएँ नहीं हो तो राज्य के बाहर अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान चंडीगढ़ में रेफर किया जाता है। मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोर्स में 16 चयनित श्रेणियों में BPL को सम्मानित करते हुए 2015 तक लगभग 29.40 लाख रोगियों को एक OPD, जिसमें 27.33 लाख IPD रोगी, 2.7 लाख का उपचार किया गया। अगला है BPL 5 लीटर देसी घी योजना, ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा सभी जिलों में 1 मार्च 2009 में प्रारंभ की गई, जिसमें इस योजना में BPL की प्रसूता के प्रथम प्रसव पर राजकीय संस्थान में होने की स्थिति में प्रसवोपरांत अस्पताल से छुट्टी के समय 5 लीटर सरस का घी का कूपन उपहार के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसके अनुसार विद्यार्थी 15 दिन के अंदर घी प्राप्त करना होता है। इस योजना को 2015-16 तक 19,502 BPL प्रसूताएँ लाभान्वित हुई, तो इस प्रकार वित्तीय स्थिति में भी काफ़ी एक अहम भूमिका रही है, जो कि मुख्यतः ओजस है सामुदायिक आधारित अति कुपोषित शिशु प्रबंधन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, डायल इन एम्बुलेंस सेवा है,
मातृत्व प्रसूति दिवस है आदि मनाया गया, इंद्रधनुष अभियान है। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा सामाजिक आधारभूत ढांचे को महत्वपूर्ण रखते हुए एक अहम तरीके से भूमिका का निर्वहन किया गया है, जो कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित भी कर रही है। तो इस प्रकार राजस्थान में संचालित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम बहुत ही अग्रणी रहे हैं, जो कि जनता को मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न रोगों के उपचार में अग्रणी रही हैं। तो हम अगले वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे राजस्थान में पर्यटन व्यवस्था के अंतर्गत कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की क्या भूमिका रही है, राजस्थान में पर्यटन की क्या स्थिति है। तो अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। आपके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।